हेलो दोस्तों और सब बड़ों को मेरा प्रणाम। चलिए आज हम बात करेंगे आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट सेटअप्स फॉर फैट लॉस के ऊपर, कटिंग्स के ऊपर आपके बॉडी पे, और कि हमें कितना प्रोटीन फैट्स और कार्ब्स इंटेक करना चाहिए। ओके चलिए, उससे पहले निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है, फैट में आपके 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है, कार्ब्स के 1 ग्राम में आपके 4 कैलोरीज होती है। ओके जब हम अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट सेटअप्स निकालते हैं किसी का भी, तो आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी पता होना चाहिए। ठीक है, मेंटेनेंस कैलोरी आपको पता होना चाहिए कि कितनी है। जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है आपकी 2055 कैलोरीज पर डे। ठीक है, पर डे। ओके, अब जिसको मेंटेनेंस कैलोरी निकालना नहीं आता, ठीक, वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने मेंटेनेंस कैलोरी, हाउ टू कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरीज का वीडियो बनाया है। ओके चलिए आते हैं अब हमें कैसे हम अपना फैट लॉस का निकालें, हमें कितना आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब आपको कितना फैट कार्ब्स ये सब इंटेक करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप 10-15% क्या मेंटेनेंस कैलोरी, जो हमारा मेंटेनेंस कैलोरी है। ओके तो चलिए, मेरा मेंटेनेंस कैलोरी कितना था 2055। ठीक, अब इसको हम ड्रॉप करते हैं और 10% के ऊपर, तो ऐसे करेंगे हम इसको ड्रॉप 2055। ठीक है, माइनस ब्रैकेट 2055 इंटू 10 की पावर 100 ब्रैकेट क्लोज, कितना आता है हमारा 1850। ये हो गया हमारा कैलोरीज पर डे। ठीक है, पर डे। अब आते हैं हम फैट के ऊपर। चलिए फैट के ऊपर आ गए हम, आता है आपका आइडियल रेंज। जो हम अपना आइडियल रेंज लेके चलेंगे फैट का 15-25% के बीच ऑफ कितका आपके 1850 कैलोरीज का पर डे जो हम इंटेक करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, चलिए अकॉर्डिंग टू 15%, ठीक, क्या करेंगे 1850 जो आपका पर डे की कैलोरीज है उसको हम इंटू करते हैं आपका 0.15। ठीक है, 0.15 कितना आता है हमारा 277.5। इसको हम डिवाइड करेंगे आपका 9 से। अब हम इसको 9 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 1 ग्राम फैट में आपका 9 कैलोरीज होती हैं। ओके तो 9 कैलोरीज होती हैं, तो इसको हमारा कितना आता है हमारा 30.833 ग्राम ऑफ फैट। ठीक, अब सेम प्रोसेस से हम 25% का भी निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू 25% तो 1850 × 0.25 = कितना आएगा हमारा 462.5/9। ठीक है, कितना आता है हमारा 51.388 ग्राम ऑफ फैट। अब हमें क्या करना है, इसका मिड नंबर निकालेंगे, मिड रेंज इसका। ठीक है, तो मिड रेंज हम कैसे निकालें इसका, तो बहुत इजी तरीका है, इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे। ठीक, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करके हमें कितना मिलता है, ये आपका 82.221। इसको अब हम करेंगे डिवाइड, डिवाइडेड बाय 2, कितना आता है हमारा 41.1105। ठीक है, ये हो गया आपका फैट।
जो आपको टेक करना है। तो यहां हम लिखते हैं आपका अलग से, फैट हो गया आपका 41.1 ग्राम। ओके, अब क्या कहते हैं इसको हम इंटू 9 करेंगे। इंटू 9 करने के बाद क्या आता है हमारा 370 ग्राम। अब आते हैं हम प्रोटीन के ऊपर। पहले मैं मेल का बताता हूं, मेल का ठीक है। मेल में आपका 1.1 ग्राम से लेके 1.4 ग्राम तक आप इंटेक कर सकते हैं। फॉर फीमेल्स 0.6 ग्राम से लेके आप 1 ग्राम तक इंटेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब प्रोटीन का निकालने से पहले आपको आपका बॉडी वेट पता होना चाहिए, ठीक है। बॉडी वेट पता होना चाहिए इन पाउंड। जैसे मेरा बॉडी वेट है आपका 62 केजी है मेरा। अब 62 केजी इन पाउंड कितना होता है आपका? अराउंड 137 पाउंड होता है, ठीक है। अब इसके रेंज की मैं लेना आपके अकॉर्डिंग इसके रेंज, ठीक है। तो मैं लेता हूं अपना अराउंड 1.2 ग्राम लूंगा। तो क्या है 137 पाउंड इंटू 1.2 ग्राम, ठीक है 1.2 ग्राम, तो मेरा आता है आपका 164.4। ओके, तो अब ये जो है 164, ये हो गया मेरा प्रोटीन। प्रोटीन मेरा कितना है 164.4 ग्राम। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इंटू करेंगे 4 से। इसको हम इंटू करते हैं 4 से। 4 से क्यों इंटू कर रहे हैं? क्योंकि आपका प्रोटीन का 1 ग्राम 4 कैलोरीज होता है, ठीक है। इसलिए चलिए इसको इंटू करने के बाद कितना आता है आपका 657.6। ओके, आते हैं अब हम कार्ब्स के ऊपर। आप ये भी सोच रहे होंगे भाई ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, इसका अभी तक यूज नहीं आ रहा है। इसका लास्ट में यूज आएगा, वो भी आपका कार्ब्स में आएगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए कार्ब्स जब निकालते हैं तो उसके लिए कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है टोटल कैलोरीज माइनस फैट कैलोरी प्लस प्रोटीन कैलोरी। ओके, प्रोटीन कैलोरी, चलिए जो हमारा टोटल कैलोरी था वो था आपका 1850, ठीक है। अब फैट कैलोरी हमारा कितना है आपका 370 ग्राम प्लस प्रोटीन का कितना था आपका 657.6 ग्राम, ठीक है। आप इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 822.4 कैलोरीज, ठीक है 822.4 कैलोरीज को सॉल्व करके आया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे आपका 4 से। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि आप हमारा 1 ग्राम आपका 4 कैलोरीज होता है। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व करके कितना आता है आपका 205.6 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स, ठीक। तो ये हो गया आपके कार्ब्स। चलिए अब देखते हैं, यहां दिखाता हूं मैं आपको प्रोटीन फैट एंड कार्ब्स आप कितना इंटेक करेंगे। कितना इंटेक करेंगे मेरा है जैसे प्रोटीन 164.4 ग्राम, फैट 41.1 ग्राम और कार्ब्स कितना है 205.6 ग्राम, ठीक। बस इतना अच्छा, ठीक, बहुत इजी था ये, मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे ठीक कैसे निकालना है।
बस इतना ही। अब इसके बाद मैं एक और बनाऊंगा वीडियो, जैसे फैट लॉस का था वो मसल बिल्डिंग का होगा, बल्किंग का। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने पूरा लास्ट तक देखा और आपको समझ में आया, ठीक रुकिए मेरा, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सके। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, प्रणाम।